अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मे बी के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स के स्टार्टिंग में बताने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त मेरे हिसाब से जो है वो चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता, तो इसीलिए जो है वो मैंने ये चीज़ें बाद में यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कम्प्लीशन के बाद जो है वो प्लान किया था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक क्वेश्चन जैसे कि अक्सर आता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या अगर हम कहें क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए इसका आंसर बहुत सिंपल है कि एग्जांपल से समझते हैं। देखें, अगर एग्जांपल में मैं आपसे कहूं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जा रही है, डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब माइनस फोर टाइम्स इंटू एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सम फंक्शन मे बी एक्सपोनेंट ऑफ माइनस टू एक्स। तो इसमें अगर आप देखें तो एक टर्म ऐसी है जिसके अंदर आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यानी आपके पास जो है वो इस टर्म के अंदर जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस वाई का कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे, इस टर्म के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस टर्म के अंदर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज़ नोन एज मे बी के आप ये कह लें कि वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एज़ के वट एवर द हाइस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव एग्जिस्ट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल लीड टू द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इफ़ यू से है इफ़ यू सी है कि इस इक्वेशन में थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव क्योंकि हाइएस्ट है, यानी सेकंड भी है यहाँ पे जीरो भी है, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि हाईएस्ट है तो हम कहेंगे कि दिस होल इक्वेशन इज़ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मे बी कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह लिखी है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर टाइम्स डी पावर फाइव वाई डिवाइड बाई डी एक्स पावर फाइव, यानी फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, बेसिकली डी पावर फाइव नहीं है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन एनी ऑफ द फंक्शन, मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ जनरली। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि फिफ्थ ऑर्डर जो है वो इस इक्वेशन के अंदर हाइएस्ट ऑर्डर है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास होगा कि आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा फाइव। देखिए, टर्म टू टर्म अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इस टर्म का ऑर्डर टू है, इस टर्म का ऑर्डर वन है, इस टर्म का ऑर्डर फाइव है, लेकिन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो आपके पास फाइव होगा। नाउ इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कुछ इस तरह से कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हैज़ के देखें, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ बेसिकली पावर ऑफ, पावर कह लें, एक्सपोनेंट कह लें, जो भी आप समझें इसमें, कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा उसी की होल पावर आप चेक कर लेंगे, उसके पावर क्या है, वन है, पावर टू है, वो आपका जो है वो डिग्री हो जाएगा। जैसे अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो पावर है वो वन है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि थ्री है और इसकी पावर क्योंकि वन है, तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कहेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री जो है वो वन है यहाँ पे, यानी थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्योंकि फाइव है, तो फाइव फिफ्थ ऑर्डर तो था ही, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर जो था वो फिफ्थ था, लेकिन इसकी पावर जो है वो वन है, तो इसी तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री आपके पास वन हो जाएगी। लेट सपोज अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह लिखी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल के डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब
होल पावर 4 माइनस 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 8 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन। तो आप इस इक्वेशन में देखें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास जो है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। यानी इस इक्वेशन की अगर आप ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो आपके पास यहाँ पर वो 3 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 3 एग्जिस्ट करता है। अच्छा, डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही जो भी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी यहाँ पर, तो डिग्री जो है वो आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगी। यानी ये थर्ड ऑर्डर फोर्थ डिग्री हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ये पूरी आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी इन दोनों के अंदर मेन फ़र्क ये है कि दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ तो ये है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही अपनी कंसिडरेशन में रखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही देखना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा एक इक्वेशन के अंदर वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी वो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ना इसी तरीके से बाज़ोकात कुछ कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट आई एम डिस्कसिंग हियर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वर्सेज इफ आई से नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या फ़र्क है ये असल में बेसिकली देखना है। रिमेंबर दैट अगेन ये जहन में रखिएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपने टॉपिक पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वहाँ पे इसीलिए मैं कहता था दैट इज़ बेसिकली द क्लासिफिकेशन और द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, वहाँ नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज थी उसकी के उसको फ्रैक्शन में लिखे होना ज़रूरी है, इन राइटिंग फॉर्म उसकी डिवाइड समथिंग न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ देखी थी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के अंदर, और उसके सॉल्यूशन यानी उसको किस तरह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे वो सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइप की, यानी इट्स नॉट अ फॉर्म हियर, ये है टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अगर होल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपके पास है अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो, इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन ऑफ या तो आपके पास वाई हो, ठीक है, यानी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो वाई, इसी तरीके से उसके डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं वाई डैश वाई डबल डैश अपटिल वाई पावर एन, यानी ये सारे वाई पावर एन बेसिकली पावर नहीं, एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव है, कि एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव आपका एक साइड पर हो और ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो आपकी जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस कहलाएगी। यानी राइट हैंड साइड पर आपके पास कोई फंक्शन मौजूद नहीं है यहाँ पे। यानी देखें जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अच्छा, जहन में एक चीज़ आएगी आपके कि अगर मैं एक्सपोनेंट ऑफ माइनस टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लूँ, तो जहन में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद ये पूरा टर्म जो है वो बेसिकली वो आपके पास फंक्शन ऑफ वाई एंड वाई इट्स डेरिवेटिव नहीं है। यानी उसके अंदर क्योंकि फिर एक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा, एक्स सेपरेट एक्स का फंक्शन भी क्योंकि एक टर्म के अंदर आ रहा है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिख दी जाए कि उसके एक साइड पर या तो उसके डेरिवेटिव्स हों या फिर जो है वो सिंपल उसका डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और दूसरी साइड पे जो है वो जो भी बाकी चीज़ें हैं जो भी बाकी टर्म्स हैं वो लिख दी जाएँ। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो आप कहेंगे कि वो होमोजीनियस है, और अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आप ये कहेंगे कि वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आप अगर यहाँ देखें तो ये भी एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी नॉन होमोजीनियस थी, ये भी नॉन होमोजीनियस थी। होमोजीनियस के लिए क्या होता कि फ़र्ज करें एक कोई सी भी इक्वेशन अगर मैं कहूँ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर यहाँ इक्वल्स टू ज़ीरो देखें अगर अब आ गया आपके पास, तो ये इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को अगर हम कह दें कुछ इस तरह से डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस फोर एक्स, लेट सपोज अगर मैं ये कहता हूँ, तो ये इक्वेशन अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फ़र्क है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अक्सर जहन में आता है कि व्हाट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं और नॉन लीनियर कौन सी होती हैं, इसके हवाले से भी अगेन मैं वही कहूँगा कि आपके जहन में लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आनी चाहिए, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा था, या नॉन लीनियर फॉर्म जो कि हमने बर्नौली का नाम जिसको दिया था कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आनी चाहिए नॉन लीनियर फॉर्म के तौर पर, कि जो कि आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी वहाँ पर हमने फॉर्म डिस्कस की थी। यहाँ हम अभी फ़िलहाल टाइप की बात करें कि कौन सी इक्वेशन जो है वो लीनियर टाइप की कहलाएंगी या लीनियर हम उसको डिक्लेयर करेंगे और कौन सी इक्वेशन को हम नॉन लीनियर डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए लीनियर यानी अगर हम बात करें व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिमेंबर दैट अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू हैड स्टडीड इन योर फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर। यहाँ लीनियर फॉर्म नहीं कही जा रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ उसके क्राइटेरियाज़ हैं, चार बेसिकली क्राइटेरिया हैं कि अगर चार क्राइटेरियाज़ एक इक्वेशन के अंदर मिलते हैं आपको तो आप कहेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये चार क्राइटेरिया नहीं है तो आप कहेंगे कि ये चार क्राइटेरिया में से कोई एक भी फुलफिल नहीं होता तो आप कहेंगे उसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें पहला क्राइटेरिया ये है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू वन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो होल पावर जो भी होगी वो वन होना ज़रूरी है, यानी अगर ये होगा तो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो कहलाएगी। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सपोनेंट कह लें, पावर कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे, पावर ऑफ ईच डिफरेंशियल कोफिशेंट या डिफरेंशियल ऑपरेटर आप कुछ भी कह लें, यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर और कोफिशेंट्स, यानी देखें एक टर्म के अंदर जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और उसी टर्म के अंदर रेस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स भी हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हर टर्म्स जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जहाँ जहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है बेसिकली उन टर्म्स की बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल कोफिशेंट या डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी टोटल जो ओवरऑल पावर है वो भी इक्वल टू वन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन ये सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है आपके पास कि अगर आपको कहा जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल, किसी इक्वेशन के अंदर हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, किसी में हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, तो अगर मैं कहूँ एक्सपोनेंट की बात कर लें अगेन वही चीज़ के पावर ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान अगेन वैसे तो बहुत पुरानी और बहुत बच्चों वाली बात, बहुत पहले की बात है कि आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, लेकिन एक जस्ट रिकॉल के लिए आप याद कर लें कि डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जो न्यूमरेटर में वाई वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं लिखता हूँ डी के डिवाइडेड बाई डी टी तो के जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी एक्सपोनेंट या पावर होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की, हर डिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी जितनी टर्म्स के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा वो जो है वो उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वो भी इक्वल टू वन होना ज़रूरी है। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर आप याद करें वो जो आपने लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कही थी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, यानी उसका नाम आप आमतौर पर बुक्स के अंदर लीनियर फॉर्म नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, क्योंकि आप याद करें कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर वाई की पावर वन थी वहाँ पे, इसीलिए हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे। और नॉन लीनियर यानी बर्नौली के अंदर भी यही चीज़ थी कि राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा होता था वाई का उसको उसकी पावर वन नहीं होती थी, तो क्योंकि वन नहीं होती थी इसलिए हम उसको नॉन लीनियर कहते थे। ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम टाइप की बात करें तो टाइप के अंदर ये चारों चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी है, अगर इन चार में से कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं होगी तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। फोर्थ जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि नो टर्म कंटेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी किसी टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट ना हो, यानी अगर आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो उसके अंदर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट मौजूद होना नहीं चाहिए किसी भी टर्म के साथ। लेकिन इसके अंदर क्राइटेरिया ये है, यानी बेसिकली यहाँ नो टर्म्स की जो बात की जा रही है वो उस हिसाब से है कि आपके डेरिवेटिव वाली इक्वेशन जो है, यानी
किस तरह समझाया जाए। चले मैं इसको एग्जांपल से जो है ना एलेबोरेट करता हूँ, इस फोर्थ वाली सिनेरियो को एग्जांपल से देखते हैं। या तो एग्जांपल से इसको हम क्लियर कर लेंगे, या इसको बस यूँ समझ लें कि ये जो बात है कि किसी टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और किसी डिफरेंशियल कोफिशेंट का बेसिकली जो है ना डिफरेंशियल कोफिशेंट, क्योंकि हर टर्म के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशेंट भी है, यानी dy बाई dx भी है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी y डिवाइड y इंटू dy बाई dx ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से y इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए। यानी डिफरेंशियल कोफिशेंट के साथ उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए यहाँ पे। नो टर्म्स का मतलब ये इसका ये सिनेरियो है। यानी ऐसा नहीं है कि एक टर्म आपके पास सिंपली है y इंटू टू एक्स, तो इसके ऊपर कोई मसला नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। टू एक्स के साथ वाई प्रोडक्ट में आ रहा है, ये नॉन लीनियरिटी को शो नहीं करेगा। नॉन लीनियरिटी को क्या चीज़ शो करेगी कि वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कोई किसी डिफरेंशियल कोफिशेंट से मल्टीप्लाई हो गया ना। कोई एग्जांपल समझते हैं नॉन लीनियर के लिए क्या होगा। नॉन लीनियर के लिए इन सारे सिनेरियोज में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं होती तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। बहरहाल देखते हैं, देखें डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम कहें कुछ इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू लेट सपोज सम फंक्शन कह लेते हैं इसको। तो आप देखें इस सिनेरियो के अंदर कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। यहाँ पर डिग्री की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर वन है। यानी पहला जो आपका क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो गया। यानी यहाँ पे अब जो है वो हम कह सकते हैं ये पहली डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड क्राइटेरिया है कि एक्सपोनेंट पावर ऑफ ईच डिफरेंशियल ऑपरेटर वो भी वन है। अगर आप देखें डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पे सिर्फ एक ही यही एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करता है, ये तो इसको तो हमने डिग्री के तौर पर चेक कर लिया, लेकिन बाकी डिफरेंशियल ऑपरेटर जो भी एग्जिस्ट करते हैं उसकी पावर भी यहाँ पर वन ये मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी, अगर फर्ज करें यहाँ एक और टर्म भी होती, लेट सपोज़ मैं उस टर्म को जो है वो थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ। लेट सपोज़ कि अगर एक टर्म ये होती यहाँ पर थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आप देखें इस डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी वन है। तो अगर वन है तो यानी जितने भी डिफरेंशियल ऑपरेटर वहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनकी पावर को वन होना भी ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरीके से एक्सपोनेंट पावर ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल वो भी इक्वल टू वन होना चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस टर्म के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, खाली डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इस टर्म के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी जो है वो आपके पास इसकी पावर भी वन है। तो ये भी जो है थर्ड क्राइटेरिया आपका मैच हो गया, यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। चौथा क्या है, नो टर्म कंटेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद ऑफकोर्स इसको यूँ कर लें विद डिफरेंशियल कोफिशेंट। तो देखें डिफरेंशियल कोफिशेंट के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ है तो इसके साथ कोई डिफरेंशियल कोफिशेंट नहीं है। तो इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा, ज़रा रिकॉल करें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ी थी लीनियर फॉर्म की, अभी मैं टाइप की बात नहीं कर रहा, लीनियर फॉर्म की बात कर रहा हूँ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने कुछ ये पढ़ा था कि उसकी राइटिंग फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू अ मल्टीपल ऑफ वाई इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप देखें क्या इसके ऊपर भी लीनियर वाले क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। तो आप देखें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ाहिर है यहाँ पर वन ही है, इसकी पावर भी वन है। सेकंड क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसके अलावा कोई और डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ है ही नहीं। तो सेकंड क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो ही रहा है, यानी है ही, एग्जिस्ट करता तो हम चेक करते ना उसके, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो बहरहाल उसको ज़रूरत नहीं है उसको चेक करने की। तो एक्सपोनेंट पावर ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर यानी वाई की पावर यहाँ पर वन ये मौजूद है। रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ डैश हियर, ये वाई डैश नहीं है, वाई पावर वन है बेसिकली। ठीक है, वाई पावर वन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से नो टर्म कंटेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद डिफरेंशियल कोफिशेंट, कोई ऐसी टर्म यहाँ पर नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिफरेंशियल कोफिशेंट ये आए। अच्छा, इसी के साथ साथ लेकिन अगर देखें आप थोड़ा सा याद करें कि अगर कुछ इस तरह लिखा जाता था एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू अ मल्टीपल ऑफ वाई इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखें ये लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी,
नो, क्योंकि एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई के अंदर आ गया, तो लीनियर फॉर्म तो नहीं है। हाँ, हम इसको लीनियर फॉर्म बना सकते हैं। तो लीनियर फॉर्म किस तरह बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करा देंगे तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें टाइप की, तो देखिए टाइप तो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसके अंदर जो है वो चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर वन है, इसके अलावा एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो भी वन है, इसके अलावा जो है वो एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर वो भी वन है, कोई टर्म जो कि डिपेंडेंट प्रोडक्ट में नहीं आ रही, यानी प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद डिफरेंशियल ऑपरेटर ये भी नहीं हो रहा, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ अगर है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के अंदर तो वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं है, तो लिहाजा ये एक लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। नाउ अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो देखें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर मैं पहली एक एग्जांपल दूं कि लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से जहन में रखिएगा कि क्राइटेरिया थोड़े से ये हैं कि उन चारों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। जैसे देखें अब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ इस तरह, लेट सपोज डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब होल पावर, लेट सपोज अगर मैं कह दूँ इसको 4 है, माइनस इसी तरीके से 3 इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हम ले लेते हैं लेट सपोज 3 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे कौन सा जो आपका क्राइटेरिया है वो मैच नहीं हो रहा। अगर हम बात करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो इसका ऑर्डर क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लें, ऑर्डर आपके पास यहाँ 3 है, डिग्री क्या है, डिग्री होगी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, तो डिग्री यहाँ पे 4 है, ठीक है। अच्छा क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो हम इसको कहेंगे कि ये होमोजीनियस है क्योंकि आपके पास जो है वो इक्वल टू 0 वाले सिनेरियो आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आप देखें यहाँ पे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, बेसिकली डिग्री पहली चीज़ थी कि डिग्री जो है वो उसकी 1 होना चाहिए, तो डिग्री तो यहाँ पे 4 है, तो डिग्री 4 होने की वजह से ये है इसका रीज़न नॉन लीनियर होने का, ठीक है ना। इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीज़न है नॉन लीनियर होने का, ऑर्डर का हमारा कोई मसला नहीं था, होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस तो एक अलग चीज़ है, नॉन लीनियर होने का मसला क्या था, नॉन लीनियर होने की वजह क्या थी, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है यानी डिग्री 1 नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। अच्छा इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें रूल नंबर 2 ब्रेक हो रहा हो मे बी, कि अगर हम देखें कहते हैं लेट्स सपोज डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लेट सपोज एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स। तो अब देखें यहाँ सिनेरियो क्या है, यहाँ अगर हम बात करें डिग्री की तो डिग्री तो इसकी 1 है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है यहाँ पे, तो डिग्री 1 ऑर्डर 3 है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया यानी कि एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ईच डिफरेंशियल ऑपरेटर वो 1 होना ज़रूरी था, तो इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर तो 1 है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर भी 1 है, लेकिन इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर 1 नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया डजेंट फुलफिल कह लें, फुलफिल तो नहीं कहेंगे, या जो लीनियर का था कि यहाँ पे बेसिकली सेकंड क्राइटेरिया फेल हो रहा है, कि सेकंड क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, फेल कह लें, मैच नॉट मैच कह लें कि सेकंड क्राइटेरिया क्योंकि मैच नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये बेसिकली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर होने के साथ साथ क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस, नॉन लीनियर, फर्स्ट डिग्री, थर्ड ऑर्डर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी ये, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। थर्ड क्राइटेरिया क्या था आपके पास, पहले उसको रिवाइज कर लें, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है वो 1 होना ज़रूरी है, किसी भी टर्म के अंदर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो उसकी पावर 1 होना ज़रूरी है। तो देखें थर्ड रूल किस तरीके से ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, कि अगर मैं कहता हूँ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब,
तो देखें इसमें क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही टर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी पावर जो है वो 2 है, 1 नहीं है, तो इस वजह से यानी यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, डिग्री की अगर हम बात करें, थोड़ा सा रिकॉल करें डिग्री को, डिग्री की अगर बात करें डिग्री 1 है, ऑर्डर की अगर हम बात करें ऑर्डर यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो लिहाजा डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। इसके अलावा हर डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर अगर देखें तो ये भी 1 है, यानी दो क्राइटेरिया तो मैच कर रहे हैं इसके, डिग्री 1 है, हर डिफरेंशियल ऑपरेटर जहाँ जहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर है वहाँ उसकी पावर होल पावर जो है वो 1 ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन थर्ड क्राइटेरिया जो है वो इसका वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, दैट्स वाई वी से कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगेन क्योंकि ये एक्स क्यूब के इक्वल है यानी राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा कि ये नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर फर्स्ट डिग्री सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्राइटेरिया है इसका, जो कि हमने कहा था कि वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी डेरिवेटिव या किसी भी डिफरेंशियल कोफिशेंट से मल्टीप्लाई ना हो। तो देखें मल्टीप्लाई के हवाले से अगर देखें, अभी तक जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी है यानी इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसका कोफिशेंट बेसिकली यानी कोफिशेंट की हम बात करें, कोफिशेंट है इसका 1, इसका कोफिशेंट है 3, इसका कोफिशेंट है यहाँ पे 1, इसका कोफिशेंट है यहाँ पर 1, इसका कोफिशेंट है 3, इसका कोफिशेंट है 1, इसका कोफिशेंट 3, इसका कोफिशेंट यहाँ पर है 4। अच्छा वैसे कोफिशेंट हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के देख रहे हैं। एक और एग्जांपल ज़रा याद करें, जब मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से आपको बताया था तो उसके अंदर कोफिशेंट कांस्टेंट नहीं था, यानी अगर देखें इसके अंदर, इसमें इसका कोफिशेंट तो 1 है लेकिन इसका कोफिशेंट कांस्टेंट नहीं है, कोई 1, 2, 3 नहीं है, इसका कोफिशेंट वेरिएबल है। तो बेसिकली ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी यानी हमने इसको लीनियर कहा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशेंट है ये, यानी यहाँ पे वेरिएबल कोफिशेंट वो आ रहा है, यानी वेरिएबल जो है वो एज अ कोफिशेंट आ रहा है। जब हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो देखें इन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो है वो वेरिएबल कोफिशेंट नहीं है, सिंपल जो है वो कॉन्स्टेंट कोफिशेंट है। तो बेसिकली वेरिएबल कोफिशेंट में अगर एक्स आ रहा हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वेरिएबल कोफिशिएंट के तौर पे अगर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आ जाता है किसी भी डिफरेंशियल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होता हुआ तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन बना देगा, ठीक। यानी फ़र्ज करें एक इक्वेशन है कुछ इस तरह से, अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो आप देखें वेरिएबल कोफिशेंट वाई वेरिएबल कोफिशेंट तो एग्जिस्ट करता है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, ये वेरिएबल कोफिशेंट है, लेकिन इसके साथ मल्टीपल में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या, अगर हम डिग्री अगेन ज़रा थोड़ा सा उसी तरीके से चलते हैं कि डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, डिग्री जो है वो आपके पास 1 ही है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी इसका 1 ही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ का क्राइटेरिया कौन सा मैच नहीं हो रहा, क्राइटेरिया अगर देखें पहला क्राइटेरिया तो मैच हो रहा है, सेकंड क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई और डिफरेंशियल ऑपरेटर वाली इक्वेशन है ही नहीं, थर्ड क्राइटेरिया यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1, थर्ड क्राइटेरिया भी यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन फोर्थ क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा। फोर्थ क्राइटेरिया में क्या था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके पास किसी डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो फोर्थ क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको कहेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ज़ाहिर है ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसीलिए नॉन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नॉन लीनियर होमोजीनियस फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स वो डिक्लेयर की जाती हैं। कुछ इक्वेशंस अब आप जो पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, तो बेसिकली वहाँ बताना ये है हमें कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ेंगे। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब है कि ये चारों क्राइटेरिया वहाँ पे फुलफ़िल हो रहे होंगे कि ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास 1 से ज़्यादा होगी, ना ही जो है वो कोई इस तरह का सिनेरियो आएगा कि किसी डिफरेंशियल ऑपरेटर की जो पावर है वो 1 के अलावा आपके पास आ जाए, ना ये सिनेरियो आपके पास आएगा
कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या डिग्री की अगर हम बात करें तो वो डिग्री वन के अलावा नहीं होगी। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर हायर ऑर्डर के अंदर होमोजीनियस भी आएंगी, लीनियर हायर ऑर्डर के अंदर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएंगी। तो बहरहाल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो लीनियर हायर ऑर्डर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से होगा। इंशाल्लाह हम उसको वहाँ पर देखेंगे कि इस तरह हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।